Like. the level towards GMAT now. Let's begin. <sighs> जब भी आपको एजम्पन का क्वेश्चन आता है तीन तरह की होती हैं। hmm? तीन तरह की होती हैं. पहले सुन लो नंबर वन एजम्शन इज कॉल्ड एज U सी ए L. कॉजल मतलब ऑलवेज लुक फॉर वट आर द अदर कॉजिस बिहाइंड सेम नंबर वन वन कॉज मे और मे नॉट लीड टू द कंक्लूजन देर कुड बी अदर कॉजेस बाकी जो एजम्शन हैं वो मैं क्वेश्चन करवाते करवाते लिखूंगा यहां पे पहले बताऊंगा तो क्वेश्चन करने का मजा नहीं आएगा तीन तरह की मेजर एजम्पन्स हैं ये लेक्चर सुनने के बाद तुम जीमेट का क्रिटिकल रीजनिंग के सॉल्व कर पाओगे लेट्स बिगिन एवरी टाइम आई वेयर माई ग्रीन सूट पीपल लाइक मी याद आ रहा है Therefore, it's my green suits what make people like me. Yes or no? Yes or no? Yes, yes, yes. No, no, no. Yes. Every time, जब जब मैं हरी शर्ट पहन के घूमता हूँ तो भाई लोग मुझे प्यार करते हैं. बताओ भैया, क्या बोलना चाहोगे? Yes, no, yes, no. बहुत बढ़िया. Good job. Answer is no. Easy one. Answer is no. Answer is no. Good job. Answer no है. क्यों answer no है बेटा? क्योंकि there could be other causes. It could be my Apple Watch. It could be my uh, teaching abilities. It could be the pillow behind. It could be the wall behind. It could be anything. Yeah? इट कुड बी एनी थिंग नंबर वन इज करिज्मा जो मर्जी बोलो इट कुड बी मेरा एक्जाम्पल मतलब जो मर्जी एक्जाम्पल समझा इट कुड बी माई डॉग्स और पीपल लाइक राइट अच्छा डॉग्स थोड़ा फालतू की इन्फॉर्मेशन हो गया और इट कुड बी द थिंग्स विच यू कैन इन्फर फ्रॉम अनस्टेटेड विद इन फिर तो डॉग्स भी हो सकता है मम्मी भी हो सकती है कॉलेज भी हो सकता है स्कूल भी हो सकता है बचपन में बड़ा क्यूट था ये भी हो सकता है, है ना भाई तो बहुत कुछ हो सकता है राइट right? मैं सिर्फ ड्रेस की बात कर रहा हूँ तो आप दो ड्रेस से रिलेटेड कुछ बताओगे तो बढ़िया है ड्रेस या मी एज पर्सन इज गुड नंबर वन एजम्पन बॉयज इन गर्ल्स कॉज अल ऑल गुड आगे नंबर वन नंबर टू ये मेरा फेवरेट है यार मेरा फेवरेट यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट बहुत पहले करवाया भी हुआ है डैशबोर्ड पे यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट कॉज इज कैंसिल इन द लैब एनिमल्स देयर फॉर यू शुड स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट हां भैया मेरे पास ना मंकी वाला एग्जाम्पल याद है किसी को एनी बड़ी वॉन्ट्स टू बी ए पार्ट ऑफ द लाइव एग्जाम्पल टूडे एनी बडी वॉन्ट टू पार्ट ऑफ द लाइव एग्जाम्पल ओके बहुत बड़ी नचिकेत बंदर बनाऊंगा पहले बता रहा हूँ नचिकेत वॉन्ट्स टू बी ए मंकी टूडे ओके देर इज नची देर इज ईशान There is Ishan, there is Nachi, who else? There is uh, कोई भी नहीं है श्वेता ठीक है नच्ची है श्वेता है, तीन मंकी है मेरे पास और मैं एक uh, लैब में काम करता हूँ और मेरी कंपनी का नाम इज़ शुगर शुगर कॉस्मेटिक्स और शुगर कॉस्मेटिक्स का मैं मालिक हूँ और मालिक नहीं मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ मैंने ना लिपस्टिक निकाली अभी सुनो ध्यान से जो खत्म हो गया मैंने एक लिपस्टिक निकाली है और लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग है और मेरे पास ही तीन मंकीज़ को उन्होंने ट्राई किया आ, ये एस को लगाया आई को लगाया श्वेता को लगाया नचिकेत को लगाया अबे यार नचिकेत के तो लिप्स पिंक हो गए और ज़्यादा छः महीने लगा मंकी घूम रहे थे लैब के अंदर मैं आके चेक किया नचिकेत के तो लिप्स पिंक हो गए और आई कौन था ईशान ईशान का तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया भैया ईशान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया लिपस्टिक लगाने से और ये कौन था श्वेता श्वेता का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया उसको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लग गई लिपस्टिक लगाने से द लिपस्टिक्स

महीने हो गया आठ महीने हो गए एक साल हो गया एक साल बाद आगे चेक किया भाई मंकी मर गए मंकी मर गए भाई दिस लिपस्टिक इज अनसेफ फॉर ह्यूमंस यस और नो यस और नो मंकी मर गए बहुत बढ़िया यस और नो काफी लोग यस काफी लोग मे बी बोल रहे हैं यस और नो दो ही ऑप्शन है आंसर इज नो मंकीस के नॉट भी कम अब जब उसके लिपस्टिक जब उसके बड़े हो गए तूने बोला मैं नहीं लगाऊंगा अब वो मंकी मर गए मैं लगाऊंगा ये क्या बात हुई मंकी के नॉट बी कमेयर विद ह्यूमन बीज बॉइडिंग याद रखेंगे क्रिटिकल रीजिंग चल रहा है नहीं यस नो इसको बोलते हैं एनोलॉजी अजम्पन कुल एनोलॉजी अजम्पन नंबर थ्री मेरा फेवरेट नाइन ऑफ टेन स्टूडेंट्स रेकमेंड कैटकिंग यू शुड ज्वाइन कैटकिंग ये और नो नाइन आउट ऑफ टेन स्टूडेंट्स रेकमेंड कैटकिंग यू शुड ज्वाइन कैटकिंग और नो सालो नो बोल रहे हो ऑफकोर्स एक दो मेरे को प्यार करते हैं बाकी नो ही बोल रहे हैं अबे यार अभी तुमने ज्वाइन कर लिया ऐसा बोल कितनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे लिए ठीक है ऑल राइट आंसर इज नो नाइन आउट ऑफ टेन डज नॉट मीन 90 परसेंट बॉयज एंड गर्ल्स क्रिटिकल रीजनिंग रिविजन नाइन आउट ऑफ टेन डज नॉट मीन नाइनटी परसेंट याद रखिएगा जिंदगी भर आर यू गैदमी ना ये नौ में से पता है क्यों ये नौ पते कौन थे मेरे कजन हैं छोटे छोटे और उनकी क्लासरूम में नर्सरी में फर्स्ट में, में उनके पास गया मैंने बोला बेटा ये लो चॉकलेट बोलो कैट किंग जिंदाबाद उसने उसने बोला 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 कैट कैट किंग बाद, बोला, कैट किंग जिंदाबाद कि मैंने वुड यू उनका फीडबैक देखिए लोगों को दिखा दिया आउट ऑफ टेन स्टूडेंट्स रिकमेंड कैट किंग यू शुड ज्वाइन कैटकिंग और नो एवरी टेन एवरी टेन बहुत बढ़िया आप सब लोग यस बोल रहे हैं कई लोग एक दो लोग नो बोल रहे हैं कि वो मुझे तो वन वाला कीड़ा हूं बेटा नाइन ऑफ नाइन परसेंट होता है नाइन्टी परसेंट रिव्यू तो भगवान का भी नहीं होता है तुम भगवान का कोई वीडियो देख लो उसके अंदर भी साला हज़ार डिसलाइक होते हैं ठीक <laughs> है और तो हज़ार डिसलाइक होते हैं उसके अंदर भी ठीक है तो एनी विच वेज तो वन परसेंट इज ओके ठीक है भगवान का अभी तो डिसलाइक हटा ही दिए वैसे यूट्यूब ने कमिंग बैक नाइन्टी परसेंट इज अ गुड डिसीजन मेकर टू टेक द कॉल ऑल राइट बट रिकमेंड कैट की हाँ हम लोग मेहनत करते हैं बस एग्जाम्पल था कुल आइग जुदमी कुछ चेक फाइव फाइव सेकेंड्स आइग जुद मई ये सनो समझ आ रहा है ठीक है इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एजाम्शन स्टैटिस्टिकल एजाम्शन वेन एवर नंबर्स आर देयर प्लीज भावनाओं में मत जाना हुँ? और स्टैट्स की भावना में मत जाना और देख लेना लिखा क्या हुआ है ठीक है ये तुम्हें तीन रूल करा दिए अब मैं जी मैट की किताब खोल के उसके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे ठीक है शुरू करें एंड गर्ल्स शुरू करें चलिए चलिए भैया आ जाइए नौ बज के पैतालीस मिनट बहुत बढ़िया पंद्रह मिनट के टाइम में आग लगाएंगे चलिए ऑल राइट ये बहुत पहले मैंने करवाए हुए हैं रिवीजन हो जाएगी फटाफट लेट्स बिगिन बॉयज एंड गर्ल्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एक मिनट चुप्पी का दान बख्शेंगे लेमिन वन यू रेडी ओके और काफी लोग कंफ्यूज है बच्चों अगर के अंदर जो सी आर आता है उसका बिल्कुल लेवल यही है ठीक है ऐसा ही लेवल आता है आपको आप लोगों ने पुराने पेपर में देखा होगा उसका इनफैक्ट एक नॉच हायर ही है अगर ये समझ लिया तो मजा आ जाएगा आप लोगों को आंसर बता रहा हूं यार समझ लो पहले लेट्स लजबीगे क्या आंसर तुम्हारा भाई ए बी 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 बहुत बढ़िया लेट्स लजबीगे फ्यूअर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर सपोर्टिंग द लेजिस्लेशन इन दिस ईयर ठीक है सुनो ध्यान से तो भाई क्या बोल रहा है वो कि इस बार कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेजिस्लेशन को ठीक है क्या बोल रहा है कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेजिस्लेशन को ओके एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एनवायरमेंट की बात हो रही है एंड एट एनी टाइम इन द लास्ट डिकेट बच्चों हमने पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया है सिर्फ दस साल की बात हो रही है इन स्टडी ऑफ थर्टी इलेक्टेड ऑफिशियल्स तीस लोगों का स्टडी किया रिसर्च किया सिर्फ पाँच लोग बोल रहे हैं हाँ भैया एनवायरमेंटल को लेजिस्लेशन को कैंपेन करना चाहिए दे आर कैंपेनिंग फॉर दैट दे आर सपोर्टिंग दैट मतलब वो इलेक्शन के अंदर बोल रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ होना कैंपेन का मतलब सपोर्ट करना भी होता है दिस कम्स एट अ टाइम वेन द पब्लिक्स कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज ग्रोइंग बाई लीप्स एंड बाउंड यार ये पता है कब हो रहा है ये तब हो रहा है ये सब कुछ जबकि लोगों के जो भावनाएं हैं वो लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रहा है कोई स्टैट नहीं दिया लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रहा है मुझे एक कंक्लूजन बताना है यहाँ पे ना जमशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ ना तो किसी और चीज की बात करें ना इन्फ्रेंस की बात करें इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन कुड बी ऑन सिमिलर लाइन्स चलिए भैया काफी लोग बी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैव टच विद द हैदर्नस ऑफ पीपल बहुत ही बढ़िया um, मेरा कंक्लूजन क्या है यहां पे वो हमें ढूंढना है इलेक्शन ऑफिशियल हैव लॉस्ट इन टच विद द कंसर्न्स ऑफ पीपल हैव हैव ऑल इलेक्शन लॉस्ट टच येस और नो यस और नो आंसर इज नो ऑल लिखा है मैंने जब यहाँ इलेक्टेड लिखा हो तो ऑल है आंसर इज नो बी के नॉट बी द आंसर नेक्स्ट वन ए देखो मोर इलेक्टेड ऑफिशियल आर नीड टू सपोर्ट द एन्वायरमेंटल बहुत ही बढ़िया मुझे ज़्यादा अगर लेजिस्लेश uh, वाले uh, लोग मिलेंगे तो हम अच्छे लगेंगे है ना ज्यादा इलेक्टेड ऑफिशियल करेंगे तो श्योर दे आर नीडेड टू सपोर्ट द एन्वायरमेंट ये नीड क्यों लग रहा है ये आंसर अच्छा लग रहा है क्यों अच्छा लग रहा है पर आंसर अच्छा है नहीं आंसर अच्छा लग रहा है पर आंसर अच्छा है नहीं अच्छा नीडेड क्यों है बिकॉज एनवायरमेंट की कंसर्न बढ़ गए हैं बहुत बढ़िया पर आर नीडेड फॉर दैट और नॉट पता नहीं देखते हैं ए को होल्ड पे रखो सी फाइव इलेक्टेड ऑफिशियल्स हु एक्टिवली फॉर ऑफिशियल शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड मतलब कितना थका हुआ आंसर है ये की किताब में से आंसर है कितना स्टूपिड आंसर है सी दउट ओ सी आउट ऑफ कंटेक्सट इफ द एनवायरमेंट टू बी सेव्ड इलेक्टेड ऑफिशियल मस्ट सपोर्ट द एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन ओके कई लोग डी भी बोल रहे थे डी अच्छा लग रहा है अगर एनवायरमेंट तुम्हें बचानी है अबे तेरे को क्या पता यार इफ द एनवायरमेंट टू बी सेव्ड अबे यार इलेक्टेड ऑफिशियल करप्ट हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं इज इट इट एन एक्सट्रीम आंसर अगर तुम्हें एनवायरमेंट बचानी है धरती बचानी है तो ये करना अरे यार रुक जा भाई रुक जा दिस कुड बी एन आंसर बट थोड़ा एक्सट्रीम है क्या पता लोगों को लोग ही जागरूक हो जाए राइट क्या पता क्या पता राइट तो हिडन है आगे देखो फ इलेक्टेड ऑफिशियस टू टूली रिप्रेजेंट दियर कॉन्स्टिट्यम मस्ट इंक्रीज दियर सपोर्ट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेश भाई ई क्वेश्चन का मतलब क्या है कई लोगों को लगा कि ई आंसर नहीं हो सकता आंसर पता क्या है आंसर इज ई आंसर इज ई क्यों हो रहा है ई देखो जरा अभी ठीक है क्योंकि कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन ये नीडेड हो सकता है करने के लिए बहुत बढ़िया है पर उसके बीच में कंक्लूजन कौन था जो पक्का ठीक है ये भी ठीक हो सकता था दूर का यहां देखिए अगर अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी को अपने अब, अब, कई गरीब लोग लिख रहे हैं सर कॉन्स्टिट्युएंसी तो लिखा ही नहीं है वेरी गुड अब तेरी जो जनता होती है उसको हम कॉन्स्टिट्युएंसी बोलते हैं ध्यान से ध्यान से हरिकशित नहीं अगर तुझे कॉन्स्टिट्युएंसी को रिप्रेजेंट कर हिमांशु इसमत करो अगर कर, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है सब लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा लेजिस्लेशन के लिए सिंपल आर यू आरियु क्योंकि तेरी जनता ये बोल रही है ए मे और मे नॉट बी द कंक्लूजन ई इज द परफेक्ट कंक्लूजन आर यू आर्युगुनी दिमाग के कपाट खोल रहा हूं बस समझते जाओ कुल cool? और ए ऑप्शन थोड़ा जनरल ऑप्शन भी है यार जनरल है नीड टू सपोर्ट मेरे को मालूम ही है यार मेरे को मालूम ही और तू यहां पे अपना दिमाग लगा रहा है हुं? लोगों को चाहिए हंड्रेड परसेंट आई कि नहीं पता नहीं आंसर इज ई फॉर एलिफेंट आगे चलें समझ आ गया हाँ है ना ये सर नो चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे